नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी राजू, मेरे साथ गुना बहोरी से लगातार दूसरी बार भारी मतों से जीतने वाले विधायक, वर्तमान में शिवराज सरकार के मंत्री, हालांकि इसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं। रीवा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है कल, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम बिंदुओं पर उनसे बात करेंगे, किस तरीके से प्रधानमंत्री की तैयारियां चल रही हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया और एक बार आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये क्षेत्र मेरे लिए एकदम नया क्षेत्र है और रीवा की इस पवित्र माटी पर मेरा पहले बार आगमन हुआ है, तो एक तो मुझे बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरा, जो आपने प्रधानमंत्री जी की बात की, हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, और उसी तारतम्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको गौरवान्वित किया अपने आदमी से, कब उनका प्रोग्राम, कब कार्यक्रम है, और मध्य प्रदेश के सभी पंचायतों के दिवस नाम से हमारे पंचायती राज में, अगर आप पूर्व देखेंगे 15 से 20 साल पहले और आज की पंचायत में जमीन आसमान का फर्क, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे रेगुलर की योजनाओं को लेकर हो, और चाहे हमारे जनप्रति में चारों रफ्तार को लेकर हो, एक ज़बरदस्त जो है मैं कहूँगा कि उठाव जो है हमारी ग्राम पंचायत में होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ग्रामीण क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनने के बिना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की कल्पना नहीं की जानी चाहिए, और इसी मूल उद्देश्य को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण पंचायतों को सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं, और तमाम सारी हितग्राही मूलक योजनाएँ हैं, चाहे वो हमारी लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली महिला जो आने वाली है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शहरों और ग्रामीण की कनेक्टिविटी हो, तो ऐसी तमाम सारी सैकड़ों योजनाएं हैं जो भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन से संचालित की जा रही है, और उसी के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए तो आप लोग लगातार लगे हैं, जिसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जिस इलाके में ये बता रहा है कि एक बड़ा कार्यक्रम आपने किया, बड़ी सारी योजनाएं जनता के हित में लाए हैं। थोड़ा सा अपन बात दूसरी करते हैं, आप रीवा में मौजूद हैं, जो जानकारी है कि आप एक क्रिकेट के लिए अच्छे खिलाड़ी हैं, किस तरीके से सिंधिया जी से जुड़े, क्रिकेट खेली, फिर राजनीति में आए, थोड़ा मैं दर्शकों को देखिए। मैं मेरी प्रारंभिक शिक्षा फौजी स्कूल में राजनीतिक परिवार से रहा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे दादाजी रहे, और उस पृष्ठभूमि के साथ साथ मैं बढ़ता रहा, किंतु मेरी रुचि राजनीति में व्यक्तिगत नहीं थी, मैं फौज में जाना चाहता और इसीलिए फौजी स्कूल में पढ़ा, किंतु जहाँ भाग्य और नीति ने लिखा होता है वहीं व्यक्ति जाता है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरी महाराज कैलाशपत सिंह महाराज माधव सिंह जी से मुलाकात की और उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, मेरे को बॉलिंग करने का भी उन्होंने कहा, बैटिंग भी करने का कहा, और मेरे प्रदर्शन से उन्होंने प्रसन्नता भी जाहिर की, क्योंकि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी उन सबसे हमारा सिंधिया परिवार का तो उनसे ही संपर्क रहा है। 1957 में भी जब डीपी मिश्रा जी की सरकार गिरी थी, तो मेरे दादाजी आज कैलाशवासी राजमाता साहब के सामने से ही विधायक बने सबसे पहले, और धीरे धीरे करके मैं सिंधिया जी से प्रभावित होता चला गया, और आज उस परिवार की वजह से मैं पूर्ण रूप से आपके सामने खड़ा हूँ। कांग्रेस के लिए मैं लेबर मिनिस्टर था, 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार, मंत्री बनना या ना बनना उनके लिए एक ही चीज़ थी, और जितना अपमान हम लोगों ने सहा कोई सह नहीं सकता मंत्री बनने के बाद। सड़क भी निकल रही है, ये सड़क
अगर इस सड़क को आगे बढ़ाया जाएगा तो रेलवे स्टेशन को भी वाइट टाइगर सफारी वाले मार्ग से भी जोड़ सकते, तो क्या इस तरीके की प्लानिंग भी हो सकती है कि इस सड़क का एक तरीके से काया पलट हो जाए कुछ इस तरीके से? आज श्रीमान मुकेश श्रीवास्तव जी ने मेरे संज्ञान में ये लाया है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि भोपाल जाकर इस पर तीव्र गति से आप काम करें, क्योंकि वृद्ध आपका आश्रम के साथ साथ जो आपने सफारी टाइगर की बात की, और अगर ये हाईवे से जुड़ती है तो निश्चित रूप से इससे प्रगति हो, इसको मैं टॉप राइट। जो इस समय आपको देख पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? मैं यही कहूँगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रीवा में आगमन है, ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है और मैं चाहूँगा कि रीवा क्षेत्र की संपूर्ण जनता उनके कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कि धीमान 3 वर्षों में विकास का स्थापित किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरा देश जो आगे विकास की ओर बढ़ रहा है, हम सब भी कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे नेता को और ऐसी पार्टी के साथ हम जुड़े रहें और अपना विश्वास व्यक्त करते रहें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता को निराश नहीं होगा, जनता को निराश नहीं होना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। बस कल आप लोग थोड़ा सा वक्त निकालिए, प्रधानमंत्री को सुनिए, कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। ये कहना था मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महेंद्र सिंह। हमने जब इनसे बहुत सारी बातें की तो इन्होंने साफ तौर से कहा था मैं बहुत जल्द एक बार फिर रीवा आऊंगा, तब हम इनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।